आप सभी का फिर से मॉक कॉल में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में गिजू भाई का शैक्षिक चिंतन पढ़ रहे हैं और इसमें जो उन्होंने शिक्षण की विधियां बताई हैं वह निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई हैं। गिजू भाई ने सर्वप्रथम शिशु के स्तर पर उस समय प्रयोग की जाने वाली जो शिक्षण विधियां हैं उनमें शिक्षक एवं पुस्तक प्रधान शिक्षण विधियों जैसे कथन प्रणाली, पुस्तक प्रणाली एवं व्याख्यान प्रणाली का विरोध किया है। उसके बाद शिशुओं की शिक्षा के लिए मॉन्टेसरी एवं जो किंडरगार्टन प्रणाली है मैडम मॉन्टेसरी की, उनको भारतीय परिवेश में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग करने पर बल दिया और उन्होंने मॉन्टेसरी एवं फ्लॉबेर के शिक्षण सिद्धांतों स्वतंत्रता प्रेम पूर्ण व्यवहार खेल इंद्रिय प्रशिक्षण और स्वयं करके सीखने वाले जो कार्य हैं उनका समर्थन किया है और कहा है कि बच्चों को जो कुछ भी पढ़ना या लिखना सिखाया जाए वह सब कहानी एवं नाटकों के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए जिनसे उनकी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के माध्यम से सिखाया हुआ जो ज्ञान है स्वयं करके सीखने का जो है उनका ज्ञान अगर उन्हें इसके सुनहरे अवसर प्रदान किए जाएं तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर भिन्न भिन्न विषयों एवं क्रियाओं से स्वयं सीखने की जो शिशुओं की विधियाँ हैं वे भी उनका भी विकास होना चाहिए। उनका यहाँ संक्षेप में जो वर्णन है वह प्रस्तुत किया गया है किस प्रकार से शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और किनके द्वारा सच्चा और सत्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नंबर एक है शारीरिक विकास एवं इंद्रिय प्रशिक्षण।
अगर वह लिखना पहले चाहते हैं तो उन्हें लिखना सिखाओ, जो भी सर्वप्रथम उन्हें सही लगे। सर्वप्रथम उन्हें कहानी कहकर किसी भी बात को सुनने और सुनाने जो उनकी वार्तालाप के स्वतंत्र अवसर हैं, अगर उन्हें ज्यादा से ज्यादा दिए जाए तो वह स्वेच्छिक ही इस कार्य को स्वतंत्रता से करेंगे और उन सब ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। जैसे उन्हें नाटक देखने व खेलने देने और इस प्रकार के जो सुनने बोलने के शिक्षा के अर्थात जो मौखिक अवसर हैं उन्हें अधिक से अधिक प्रदान किए जाए। इसके बाद उन्हें अक्सर ज्ञान भी कराया जाए और पढ़ना लिखना भी उन्हीं के साथ में सिखाया जाए। बच्चों को अच्छा पढ़ने लिखने पर उनकी प्रशंसा करो और उनकी सृजनशीलता को विकसित होने के शुभ अवसर प्रदान करो। अगर आप उनके हर काम में टोका-टोकी करेंगे तो वह अपने काम को स्वेच्छा से नहीं करेंगे और उनके मन में हीन भावना विकसित होगी। अगर स्वतः ही वह उनके किए गए कार्य को जैसे भी प्रकट करते हो धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करें और उनके किए गए कार्य में थोड़ी बहुत उनकी प्रशंसा करें, जिससे उन्हें अच्छा भी लगेगा और वह उनकी पढ़ाई अवरुद्ध भी नहीं होगी। गणित शिक्षण। गणित शिक्षण। इन्होंने गणित सिखाने के लिए मैडम मॉन्टेसरी जो है उनकी विधि के उपकरणों को आधार बनाया है और उनके माध्यम से बच्चों को जोड़ने घटाने आदि जो क्रियाएं हैं उनके अवसर प्रदान किए हैं। इस प्रकार से इनके प्रयोग में भी बच्चे खेल खेल में सीखते हैं और खेल खेल में ही हर तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके लिए बच्चे संगीत शिक्षण। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि बच्चों को जबरन कुछ भी मत सिखाओ, उन्हें गाने नाचने के स्वतंत्र अवसर दिए जाने चाहिए। अगर अपनी पसंद के बाल गीत गाने की उनकी जो इच्छा है वह उन्हें गाने दिया जाना चाहिए, परंतु अगर डांडिया रास करने दो और उनकी प्रशंसा कर उन्हें प्रोत्साहित करें तो इसके साथ उन्हें इसका पहले अभ्यास कराओ, उन्हें प्रेरित करो, उसके बाद उन्हें इस चीज का अवसर प्रदान करो, उसके बाद साथ ही उनके सहगान और उन्हें संगीत की लय और ताल रास करने को दो और उसका अभ्यास भी कराओ और इस चीज के लिए उन्हें प्रेरित करो कि वह प्रत्येक क्षेत्र में अपने हुनर को आजमाना चाहिए उन्हें और प्रत्येक कार्य में लगन से लगना चाहिए। इतिहास एवं भूगोल का शिक्षण। इतिहास की घटनाओं को गिजू भाई कहते हैं कि इतिहास की घटनाओं को कहानी के माध्यम से और भौगोलिक जो तथ्य हैं उनको प्राकृतिक निरीक्षण के द्वारा स्पष्ट किया जाए और ग्लोब और नक्शों के द्वारा स्पष्ट किया जाए, जिससे वह स्वतः ही उसे अपने
वृत्तांत को सुनाने से, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को बताने से उनका नैतिक विकास होगा और उनका नैतिक विकास उसके शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक होगा। अब है अनुशासन। उन्हें ही उन्हें पीटना चाहिए।